केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ नगर निगम महापौर चुनाव जीतने के बाद आज हुए कार्यकारिणी चुनाव में भी भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। 12 सदस्यों के लिए हुए चुनाव में भाजपा 8 सीट पर काबिज होने में सफल रही है। सपा को 3 जबकि ओवैसी की पार्टी को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा है। 12 सदस्यों वाली कार्यकारिणी में इस बार चुनाव कर 5 महिला पार्षद आई हैं। इससे पूर्व आज सुबह से ही चुनाव में कुल 101 मतदाताओं में से 100 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़े इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा के सभी दिग्गज सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए थे। भाजपा की तरफ से 10 जबकि विपक्ष की ओर से 4 पार्षदों ने नामांकन दाखिल किया था, किसी ने नाम वापस नहीं लिया। टाउन हॉल में मतदान के बाद शाम 4 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। शाम 5 बजे चुनाव अधिकारी सहायक नगर आयुक्त शरद पाल ने परिणाम घोषित कर दिए। भाजपा के 8 प्रत्याशी जरूर जीत गए लेकिन अनिल वर्मा व दीपिका शर्मा चुनाव हार गईं। भाजपा के जिन पार्षदों को कार्यकारिणी सदस्य घोषित किया गया है उनमें पवन चौधरी, संजय सैनी, पूनम गुप्ता, रेखा सिंह, विमला वाल्मीकि, दीपक वर्मा, विक्रांत ढाका, संजीव गुप्ता काले शामिल हैं। जबकि सपा से राहत जहां कुलदीप और नाजरीन, जबकि AIMIM से फैजल करीम चुनाव जीत गए हैं। इस मौके पर ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने FirstBite.tv से यह कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मेरठ की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है। मेरठ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी के मेयर आदरणीय हरिकांत अहलुवालिया जी को देवतुल्य जनता ने जीता है। जो उनकी कार्यशैली काम करने के, उसी के आधार पर हम लोग इस निकाय की कार्यकारिणी के चुनाव में आए। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संसद में 33% आरक्षण का जो प्रावधान लेकर आए, उसे लागू करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर अपनी मातृशक्ति को वही आरक्षण यहाँ पर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने FirstBite.tv से यह कहा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा महानगर अध्यक्ष ऋतुराज जी को और अपने नगर प्रमुख आदरणीय हरुकांत अहलुवालिया। 6-7 जीतने की गुंजाइश थी, 8 जीते। और पूछना चाहता हूं एक प्रश्न इंडी गठबंधन के नेताओं से कि उनसे मेरठ में अपना घर नहीं संभला तो वो इस गठबंधन के माध्यम से हमें चुनौती दे रहे हैं। उन्हें अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए कि वो कहां खड़े हैं और उनके परिवार के बच्चे भाग रहे हैं घर छोड़कर। अब घर छोड़ दो, कोई भागेगा तो उस बच्चे को तो हम अपने पास रोकेंगे ही, क्यों किसी को बच्चे को इधर उधर घूमने दें। लेकिन कुल मिलाकर भाजपा के लिए ये विजय का उत्सव है। नगर निगम बनने के बाद पहली बार चुनाव में हम अपनी संख्या से अधिक जीते हैं और इसके अलावा संगठन का महानगर अध्यक्ष भी पहली बार घोषित हुए भी, पहले उनके सामने पहली परीक्षा थी। दोनों हमारे परीक्षार्थी आदरणीय हरिकांत अहलुवालिया जी और आदरणीय सुरेशन ऋतुराज जी परीक्षा में पास हुए हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनका नेतृत्व तो हमारे भाजपा के लिए सकारात्मक। महापौर हरिकांत अहलुवालिया का यह कहना था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 12 में से 8 हमारे सदस्य जीत के आए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो हमारे परम श्रद्धे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक प्रयास है कि पूरा प्रदेश, देश पूरा एक देखने वाला डेवलपमेंट हो, तो मैं समझता हूँ कि आज नगर निगम की ये जो जीत हुई है तो मेरठ महानगर में देखने वाला ये डेवलपमेंट होगा। और इसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी की 3 मातृशक्ति के रूप में हमारी बहनें जीत कर आई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि जो हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक आरक्षण लागू करा है, तो तुरंत आज मेरठ महानगर के हमारे जनप्रतिनिधियों ने, पार्षद भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं,
उन्होंने ये एक संदेश दे दिया है कि हमें परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पर पूरा भरोसा है, और जो उन्होंने मातृशक्ति के सम्मान में इतना बड़ा काम किया है, तो आज नगर निगम ने भी उसी कार्यशैली पर चलते हुए 3 मातृशक्ति बहनें हमारी पार्षद बनी है, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश। एक सवाल ये और है कि क्या महिला उपाध्यक्ष होंगी? अब ये महानगर संगठन हमारा बैठ के तय करेगा, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी है अभी कहना ठीक नहीं है। वहीं सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने फर्स्ट बाइट डॉट टीवी से यह कहा, नहीं बहुत अच्छा नतीजा है, 2/3 बहुमत कार्यकारिणी में मिला है हमको स्पष्ट रूप से, और जहां तक मुझे याद आता है पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्यकारिणी के अंदर भी स्पष्ट बहुमत है, बोर्ड में भी स्पष्ट बहुमत है, और महापौर हमारे हैं ही, तो इस सब के कारण से काम करने में बड़ी सुविधा होती है और निर्णय तेज गति से लिए जा सकते हैं, तो वो होगा। जो गति अवरुद्ध थी और कुछ है अभी भी अवरुद्ध है कुछ कारणों से, वो अवरोध समाप्त होगा और तेज गति से महानगर के विकास के काम होंगे। तो बहुत बधाई, और वैसे तो सभी को बधाई है, जितने वालों को भी बधाई, जिन्होंने वोट दिया उनको भी बधाई, लेकिन विशेष तौर पर हमारे महानगर अध्यक्ष, उनका ये एक प्रकार से उनके नेतृत्व में पहला ये कार्यक्रम ऐसा हुआ, और फिर हमारे महापौर जी को बधाई। बाकी मैंने कहा जैसे कहा सभी को बधाई है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस परफेक्ट अलाइनमेंट वाली टीम के माध्यम से हम बहुत अच्छा काम महानगर के अंदर करेंगे। सपा के शहर विधायक रफीक अंसारी ने दावा किया कि यह जीत सपा व शहर की जनता की है। 13 पार्षद रहते हुए वे 3 सदस्य जिताकर ले गए, यानी भाजपा वोटर ने अंदर खाने सपा को सपोर्ट किया है। देखिए क्या कहा रफीक अंसारी ने। देखिए ये घोषणा की जो आवाज है ना, ये शुरू हो गई है, और यहाँ पर हमारे 13 सभासद थे जिसमें 3 जीते हमारे कार्यकाल, तो बाकी वोट किसकी थी? बीजेपी की थी। बीजेपी के सभासद ने हमें सपोर्ट किया है। अच्छा। हाँ, तो ये आने वाला चुनाव जो बता दिया, नगर निगम भी जीते, घोषणा भी जीते, लोकसभा भी जीतेंगे। अच्छा। हमारे 13 में हमने 3 जिता लिए, वो इतने सालों में उनके तो हारे हैं। अच्छा। 10 लाए उन्होंने, 8 जीते होंगे, तो हारे किसके? आपने पूछा नहीं उनसे 10 में से आपके तो कैसे हार गए? और हमारे 13 सभासद थे, 13 में से हमने 3 जिता लिए कार्यकारिणी। हाँ। तो ये समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, ये जनता की जीत है मेरठ की, और न्याय की जीत है, और ये आवाज लोकसभा तक जाएगी, लोकसभा भी जीतेगी। अच्छा, आपको लग रहा बीजेपी ने? अरे भाई आप देखो ना, हमारे 13 थे, बाकी कहाँ से आए? बाकी कहाँ से आए? इन्हीं की तो है, हारे किसके? बीजेपी ने तो लाए 10, 8 जीते, 2 किसके हारे? अरे हमारे 3 जीत, 3 लड़ाए, 3 जीत गए हमारे, तो किसके वोट थे? वो आसमान से थोड़े आ गए वे। तो बीजेपी की हार यहाँ पे तो शुरुआत हो गई है, घोसी भी हारे, मेरठ भी हारे, अब लोकसभा भी हारे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।